दोस्तों मुजीबुर रहमान की एक गलती के कारण पूरा अफगानिस्तान टीम रोया, श्रीलंका ने 2 रन से जीता मैच। तो क्या पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो पर, जो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से हरा दिया। इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सुपर फोर में जगह पक्की कर ली। श्रीलंका की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 291 रन बनाया था। इसका जवाब में अफगानिस्तान की टीम ने 10 विकेट खोकर 289 रन बना सके। इस मैच को 2 रन से हार गई। श्रीलंका की ओर से बल्लेबाजी की बात करें तो कौशल मिलिस ने 92 रन की शानदार पारी खेली। इनके अलावा पाथो ने 41 रन, वहीं दिमुथा ने 32 रन, वहीं चरित ने 36 रन पारी खेली थी। इनके और दुनिथी ने नबाद 33 रन की पारी खेली थी, तो वहीं मतीस ने 28 रन की नबाद पारी खेली थी। इस तरह श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट होकर 291 रन बना लिए थे। तो वहीं अफगानिस्तान टीम के बल्लेबाज की बात करते मोहम्मद नबी ने 65 रन की शानदार पारी खेली थी। इनके और हसत उल्ला ने 59 रन, तो वहीं रहमत शाह ने 45 रन की पारी खेली थी। इनके और अफगानिस्तान के कोई भी बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। अंत में रशीद खान ने 16 गेंद में 27 रन की पारी खेली थी, लेकिन फिर भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस वजह से अफगानिस्तान का पूरा खेमा सदमे में आ गया है। तो इस बार एशिया कप 2023 कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।